In this video, we do conversion of benzene to paramethyl benzoic acid. ठीक है, सबसे पहले क्या बनाओ, बेंजीन बनाओ, और बेंजीन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, पैरामिथाइल बेंजोइक एसिड, COOH है, और एट दिस इज पैरा पोजिशन, और पैरा पोजिशन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल. मतलब हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे कि हम जो है बेंजीन जो दिया हुआ है उसको कन्वर्ट कर सके, किसके अंदर कन्वर्ट कर सके, दैट इज वी हैव पैरामिथाइल बेंजोइक एसिड. ठीक है, इससे पहले कुछ चीज़ें समझो. जैसे अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल बेंजोइक एसिड हमारे पास है, ठीक है, तो बेंजोइक एसिड के अंदर जो भी हम रिएक्शन करते हैं, फर्स्टली वो आपके पास क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग हमारे पास होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, बिकॉज ऑफ ये हमारे पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है, और इसके अंदर एल्काइलेशन रिएक्शन जो है वो फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन जो है वो इसके अंदर नहीं होती है. ठीक है, तो जब ये रिएक्शन नहीं हो रही है तब हम इसको कैसे बनाएंगे वो हमें यहाँ पे सोचना है. ठीक है, देखो अब हम इसको लगा के हम CH3 ग्रुप नहीं ला सकते हैं, तो हमें क्या करना है, पहले CH3 ग्रुप लाना है, और CH3 ग्रुप लाने के बाद हम ट्राई करेंगे कि हम कैसे ना कैसे करके COOH ग्रुप को बेंजीन के साथ लगा सके. ठीक है, देखो कैसे करेंगे. फर्स्ट ऑफ वी हैव बेंजीन. ठीक है, दिस इज वी हैव बेंजीन. बेंजीन के अंदर हम क्या करवाएंगे, एल्काइल फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन कराएंगे, CH3Cl को ऐड करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड AlCl3 जो कि एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, और हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, CH3 ग्रुप लग जाएगा. ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टोलीन हम इसको बोलते हैं. ठीक है, अब देखो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें इसको कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट किसके अंदर करना है कि एट दिस पोजीशन हम COOH ग्रुप को यहाँ पे ऐड करवा सके. मतलब कुछ ऐसे रिएक्शन करवाना है कि हम यहाँ पे पैरामिथाइल बेंजोइक एसिड इसको बना सके. ठीक है, अब देखो अगर मैं इसके अंदर एल्काइलेशन रिएक्शन करवाती हूँ, एकाइलेशन रिएक्शन करवाती हूँ, जिसमें मैं CH3C(OCl) को ऐड करूँ, तो क्या होगा मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, डैट इज़ CH3 है, एट दिस पोजिशन क्या आ जाएगा, COOCH3 आ जाएगा. ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, डैट इज पैरामिथाइल, और इसका नाम होता है एसीटोफिनोन. अब देखो अब हम इसके अंदर क्या ऐड करें कि हमें यहाँ पे ये COOH ग्रुप मिल जाए. अब देखो हमने जब हम रिएक्शंस कर रहे थे तो हमने नेम हमने कुछ टेस्ट पढ़े थे. एक टेस्ट हमने पढ़ा था, डैट इज आयोडोफॉर्म टेस्ट, और आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, वो एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक और कीटोन ग्रुप या फिर अल्कोहल ग्रुप जिसके पास क्या रहे, CH3 यूनिट रहे. ठीक है, तो इसके पास देखो CH3 यूनिट है, ये हमारे पास कीटोन ग्रुप है, CH3 यूनिट है, तो हम इसके अंदर क्या करवाएंगे, आयोडोफॉर्म टेस्ट करवाएंगे, डैट इज I2NaOH हम ऐड करेंगे फर्स्ट, और सेकंड पे हम इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, H+ मिलेगा, और हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, डैट इज वी हैव पैरामिथाइल बेंजोइक एसिड. देखो जब भी हम कन्वर्जन्स करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कन्वर्जन से जो ऑर्गेनिक पार्ट है वो मतलब और रिएक्शंस वगैरह जो है वो थोड़ा रिवाइज करने में, उनको याद रखने में एक अच्छा बेस्ट वे है जब भी हम कन्वर्जन करते हैं. तो उसमें ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप फॉलो करना है. अब देखो बेंजीन था, बेंजीन से हमने क्या बना दिया है यहाँ पे, डैट इज़ पैरामिथाइल बेंजोइक एसिड हमने बनाया है. ठीक है, देखो कितने स्टेप फॉलो करके हम यहाँ पे गए हैं. ठीक है, तो ऐसा नहीं है जो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर पढ़ाया या फिर जो हमने फिनोल चैप्टर में पढ़ाया है, जो हमने एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ाया है, सिर्फ वही फॉलो करेंगे. तो कन्वर्जन्स आपके सारे चैप्टर को मिला के होती है. ठीक है, देखो यहाँ आयोडोफॉर्म टेस्ट भी हमने कर दिया, यहाँ पे हमने फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन एकाइलेशन दोनों रिएक्शन हमने इसमें किया. बस थोड़ा सा इसमें क्या है, सोचना पड़ेगा, और सोच के हमें ये कन्वर्जन्स करने पड़ेंगे.